हम नमाज में लजत कैसे हासिल कर सकते हैं लजत कैसे हासिल कर सकते हैं इसका एक सादा सा तरीका हज़रत मसीम ने बताया है कि तुम रोनी शक्ल बना लो जब इंसान ज़ाहरी तौर पर अपनी शक्ल बनाता है ना जैसी हालत तारी करने की कोशिश करता है तो दिल के जज्बात भी फिर वैसे होने शुरू हो जाते हैं जब रोनी शक्ल बनाओगे हैं और जो सूर्य फातः पढ़ रहे हो तो यह का नाबोदो वही यह का नस्ते इनको बार बार दोहराओ और गौर करो और रोनी शक्ल बनाते जाओ तो एक वक्त में तुम्हें रोना आ जाएगा जब तुम्हें रोना आएगा जब दिल में रिक्कत आ रही होगी नरमी पैदा होगी तो फिर तुम्हें उसमें एक लजत आनी शुरू होगी फिर तुम रुक रुकू में जाओगे फिर जब तुम दुआ पढ़ोगे फिर तुम्हें, तुम्हें, पढ़ो तुम्हें लजत आएगी फिर समय अल्लाह कहोगे तो फिर तुम्हें लजत आएगी सजदे में जाओगे फिर तुम्हें बेचैनी से तड़पोगे फिर लजत आएगी तो उसी शक्ल में अपने आप को तारी करना पड़ेगा एक मुजाहिदा है एक कोशिश है वो कोशिश करोगे तो फिर तुम्हारी लजत पैदा होती जाएगी और जब एक दफ़ा लजत आ जाएगी फिर तुम्हें मज़ा आता रहेगा हर दफ़ा ही तुम कोशिश करोगे कि मैं नमाज़ में अल्लाह के हाज़िर हों और रहूँ तो मुझे मज़ा आए मुझे लुत्फ़ आए और जो अल्लाह के आगे सजदे में रोने का मज़ा आता है ना वो हर मज़े से बहुत बढ़ के होता है ठीक है जी और अल्लाह से ये दुआ करो कि जो तुम्हें जिस अहद के साथ तुम आए हो जाम अहमदिया में अल्लाह ताला उस उसद को पूरा करने की निभाने की तफीक दे और तुम एक अच्छे मुरबी और मुबलिक बन के निकलो और अपनी कॉम में तबलीग करके इस कॉम को अल्लाह ताला के सामने झुकाने वाले बनो और फिर उनमें से भी वो लोग पैदा हों जिनको इबादतों में तुम्हें आने वाली हो